राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके कहे जाने वाले विकास नगर में सड़क धस गई। सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन में धस चुका है। पूरा मामला विकास नगर में पावर हाउस की ओर जाने वाली सड़क शंकर जी के मंदिर के पास का है। आज सुबह अचानक 25 फीट नीचे सड़क धस गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बताया कि इस दौरान सड़क पर आवागमन कम था, जिसकी वजह से किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में एक सड़क आज सुबह में धस गई और सड़क धसने की वजह से आप देख सकते हैं तस्वीर कि काफी गहरा गड्ढा यहां हो चुका है और तकरीबन 25 से 30 फीट गहराई है इस गड्ढे की। आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच ये गड्ढा हुआ है। जो यहां के लोग हैं बता रहे हैं कि सुबह की घटना है, हालांकि ये जो सड़क है पीडब्ल्यूडी की सड़क है और जो इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग की है। हालांकि बताया जा रहा है कि नीचे सीवर लाइन है और सीवर लाइन चूंकि उसका पानी भी थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका है। ये पहली ऐसी घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कुछ समय पहले बता रहे हैं लोग कि दो और गड्ढे इसी सड़क पर आगे चलकर हुए थे। हालांकि अब चूंकि यहां पर जो प्रशासन के लोग हैं उनको तैनात कर दिया गया है ताकि कोई इसमें गिरे ना। हालांकि जो इसकी गहराई है और जो इसका पूरा क्षेत्रफल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि सवाल यह है कि जिन विभागों पर इन चीजों को लेकर जिम्मेदारी होती है, इनके मरम्मत की जिम्मेदारी होती है या फिर ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी होती है, वैसे इनको सवाल भी है। हालांकि शुक्र इस बात का है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। विजिलेंस बगड़ा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। नोएडा में 3 अरब से ज्यादा की लागत से तैयार जिला अस्पताल सफेद हाथी बनता जा रहा है। मौजूदा वक्त में सेक्टर 30 में जिला अस्पताल संचालित हो रहा है। सेक्टर 39 में बने जिला अस्पताल में कई खामियां दिख रही हैं। हर फ्लोर पर रैंप की व्यवस्था नहीं है। बिजली फॉल्ट की लगातार शिकायत है। नियमों के तहत अस्पतालों में अलग से लाइन बिछाई जाती है। आठवें जिला अस्पताल में अभी सीएमओ और उनके दफ्तर के लोग शिफ्ट हुए हैं। तकनीकी खामियों के चलते अभी मरीजों की शिफ्ट करने की कोशिश जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं की गई। जो है 39 में जो जिला अस्पताल शिफ्ट होना है, इसके लिए सब चीज प्रोसेस में है। अति शीघ्र हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये 30 से 39 में शिफ्ट करने की हम लोग की प्रक्रिया जारी है। अति शीघ्र इसको शिफ्ट करेंगे। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं सर? हाँ, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। वो अति शीघ्र उसका समाधान हो जाएगा। शासन स्तर पर कुछ पत्र भी भेजे गए? हाँ, कुछ शासन स्तर पत्राचार किया गया है।